स्वागत है फिर से आपका एक क्रैश कोर्स में अपकमिंग नीट 2023 के जो एग्जाम होने वाला है उसमें चैप्टर नंबर 22 क्लास 11 रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, इसका मैं शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। वन शॉर्ट में पूरा चैप्टर कराऊंगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रोवाइड करूंगा गारंटी के साथ। तो स्टार्ट करते समय बर्बाद करके। चैप्टर 22 है रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय में मुख्य काम किसका है? हार्मोन्स का। ध्यान से समझिएगा, रासायनिक समन्वय एक है अपना, दूसरा क्या? न्यूरल कंट्रोल यानी कि नर्व तंत्रिका में न्यूरॉन्स का रोल होता है और रासायनिक में हार्मोन्स का। हार्मोन्स के तीन कैरेक्टर होता है कि सीक्रेट इन अ ट्रेस अमाउंट यानी सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा यानी कि ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट है, मतलब इनमें एनर्जी ये नॉन न्यूट्रिएंट है। और तीसरा पॉइंट लिखा है इससे क्या लिखा है? अंतरकोशीय संदेश वाहक सब्बास, ये अंतर कोश की संदेश वाहक मैसेंजर। मैं समझाऊंगा कैसे कि भांति कार्य करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू ये तीनों पॉइंट, इनमें से निकले का क्वेश्चन आ चुका है, बस ये तीन पॉइंट का आपको कुछ नहीं। अब एनसीईआरटी बता रहा है कि हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। हार्मोन्स के टाइप कितने टाइप्स है एनसीईआरटी ने इसको कहूं तो बेसिकली दो टाइप्स में कर दिए। एक लिखा है जो सेल की मेम्ब्रेन में बाउंड हो, समझना मेरी बात, ये एक सेल है कोशिका है। एक हार्मोन्स जो यहां पर काम करता है, दूसरा हार्मोन जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में। तो कितने प्रकार के हार्मोन है? दो, एक सेल मेम्ब्रेन में बाइंड होने वाले, दूसरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैं लिख रहा हूं सेल मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन या बाइंड हार्मोन जुड़ने वाले। दूसरे का नाम लिख रहे हैं सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाइंड हार्मोन। अब सेल मेम्ब्रेन कौन से है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी दोनों के बारे में थोड़ा सा बता रहा है। एनसीईआरटी में अपना पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर एकदम आखिरी पेज में एकदम आखिरी, हाँ, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन स्टेरॉइड आइडोथायरोइन एंड अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न। हिंदी मीडियम में पेज नंबर 341 में ये चार नाम लिखे हैं, आ बा सा दा। तो लिख लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो बीच वाला स्टेरॉइड है और आइडोथायरोइन है सेकेंड और थर्ड, वो दोनों हार्मोन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाइंड है, ओके ना। एंड जो पहला और चौथा है वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड है। पेज नंबर हिंदी मीडियम में 341, इसमें जो पहला और चौथा नाम दिया है वो हार्मोन सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि इसमें लिखा पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, और पहले में लिखा है और चौथे नंबर पे लिखा है जी बेटा अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न में। व्युत्पन्न मतलब जिससे उसको बनाया गया ग्रेविटी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जुड़ने वाले दो हार्मोन से सेकेंड और थर्ड नंबर पे लिखा है स्टेरॉइड नेचर के, और एक को लिखा आइडोथायरोइन। इतनी बात आप समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा कि
एक सेकंड, अगर आपने ये समझ लिया कौन सा हार्मोन सेल मेम्ब्रेन में जुड़ेगा, कौन सा हार्मोन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जुड़ेगा, तो समझो सफिशिएंट अपना हो गया। ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों जो हार्मोन्स है ये सेल मेम्ब्रेन में और ये दोनों न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में। ध्यान से देखिएगा, जिस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस में जुड़ना है वो तो ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन में जुड़ेंगे इन्हें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं बताता हूं यहां पर, ध्यान देना, इन्हें मैं समझाऊंगा एक बार, चलिए द्वितीय संदेश वाहक की जरूरत होती है। कौन कौन से संदेश वाहक है मैं बताऊंगा, डायग्राम देखें आप एनसीईआरटी 341 के बाद 42-44 पेज में डायग्राम बनाया, देखें मेरा एक हार्मोन से है जो यहां पर जुड़ रहा है, यहां पर जुड़ रहा है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं जुड़ पा रहा है, सेल मेम्ब्रेन जुड़ रहा है, अब यहां से ले जाने के लिए एक सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, तो सेकेंडरी मैसेंजर के नाम दिया है IP3 कैल्शियम, और एक और नाम लिखा है कौन सा, एक सेकंड, AMP, एक नाम लिखा है AMP, एक दो तीन, तो हाउ मेनी सेकेंडरी मैसेंजर, तीन, IP3 कैल्शियम आयन और AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसे ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, M से हो गया मोनो, A से हो गया एडेनिन, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, चलिए, और जैसे मैं दूसरा बनाऊंगा एक नाम, अब हार्मोन सीधे यहीं पर जुड़ेगा, इसको क्या जरूरत है सेकेंडरी मैसेंजर, नहीं ना, यानी कि इस वाले को सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया हार्मोन्स का नेचर, हार्मोन्स के प्रकार, अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक वीडियो पॉज कर दो, तो एनसीईआरटी में जो पेज नंबर 333 पेज में जो डायग्राम बना है ना अंतःस्रावी ग्रंथि का, उसका लेबलिंग अच्छे से कर लीजिए, ये आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, उसका लेबलिंग कराएगा जब भी कराएगा बस आराम से देख लीजिए, उसमें ज्यादा नहीं है कि गोनेट्स ग्लैंड कहाँ है, थाइबस कहाँ है, ये सारी चीज का लोकेशन। मैं अब आपको अंतःस्रावी ग्रंथि जो जो है उनके बारे में बताता हूँ। मानव अंतःस्रावी ग्रंथि में पहला बताऊंगा मैं आपको हाइपोथैलेमस, इसको बड़े ध्यान से समझिए और बड़े ध्यान से, इसका पहले लोकेशन क्या है वो जानते हैं, लोकेशन का मतलब स्थान जगह, हाँ हिंदी नहीं आ रहा, इसका लोकेशन है अबोव द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, हिंदी में पिट्यूटरी को पिट्यूटरी बोलते हैं ना, पीयूष ग्रंथि, हाँ इसको पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, किसको लोकेशन की बता रहा हूं, एको मतलब ऊपर, ऐसा भी लिखा है हाइपोथैलेमस में सीक्रेट्स वही है ब्रेन के नाम है सीक्रेट्स, सीक्रेट क्या कहता है, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन कितने प्रकार के, बहुत ध्यान से सुना मेरी बात में, ये दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है और सिंथेसाइज भी दो प्रकार की करता है, देख सीक्रेट अलग चीज है और सिंथेसिस करना अलग है, मैं उसको साइड में दे रहा हूं, यहां जगह तो है मेरे पास, ये है दो हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन यानी कि निर्माण करता है, उनके नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन, इनके फंक्शन बताएंगे चैप्टर नंबर 19 इसका यहीं पर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इनका भी लेकिन थोड़ा हल्का, देख ये सिर्फ सिंथेसाइज कर रहा है, इनको स्रावित नहीं करेगा, स्रावित कहीं और से बनते हैं, यहां पर
मैंने लिखा टू टाइप्स, कौन कौन से टू टाइप्स है, एक है प्रमोटिंग, एक है इनहिबिटर, उत्तेजित यानी कि प्रमोटर। हा दोस्त एक चीज समझाऊंगा बेटा, दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट किसी प्रोसेस को रोकने वाला हार्मोन्स निरोधी, निरोधी उत्तेजित निरोध करेगा मतलब मना करने वाला। देख अब यहां से निकलेगा, मैं पहले हार्मोन का नाम लिख रहा हूं GRH, दूसरा लिख रहा हूं GnRH, TSRH, ऐसे और भी है उतने नाम नहीं होगा। इनहिबिटरी में सोमेटो स्टेटिन अदर्स। अब मैं अभी एक एक चीज आप समझेंगे और ध्यान से सुनना मेरी बात, सब समझ जाओगे। यहां देखते हैं समझाने के लिए, ये है अपना हाइपोथैलेमस, ये क्या है हाइपोथैलेमस, यहां बना दिया मैंने पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्लैंड, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, हाइपोथैलेमस इसको मैसेज भेजेगा तब जाके ये कुछ निकालेगा। जैसे यहां से निकलेगा TSH थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, तो कब निकला जब यहां से TSRH आया, ये TSRH यहां जाएगा तब TSH निकलेगा, समझ गया ना, थायराइड स्टिमुलेट रिलीजिंग हार्मोन जाएगा तब TSH। तो वो मैंने सारे नाम लिख दिए, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेट और अदर में भी और है सोमेटोस्टेटिन। एंजाइम इसका नाम पूछा है, ये किस प्रोसेस को बंद करता है, ये किसका है, इसका ग्रोथ का, ये है ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब बंद मना रोकता है। बाकी ये सब हार्मोन्स अदर में क्या लेगा फीडबैक, कैसा फीडबैक, पॉजिटिव। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, मान लीजिए आपके घर में एसी लगा है, वो ऑटोमेटिक है, रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, रूम का टेम्परेचर कम पड़ गया, कम हो गया, उस वक्त ऑटोमेटिक एसी काम करना बंद कर देगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से चालू हो जाएगा, समझ अभी एसी बंद है क्योंकि रूम का टेम्परेचर कम हो गया, जैसे टेम्परेचर इसका फिर से 22-23 होगा गर्मी लगना शुरू होगा फिर से एकदम अपने चालू, फीडबैक जैसे मौसम गर्म हुआ एसी चालू करके मौसम ठंडा करती है, फिर जैसे ठंडा हो गया बंद रहेगा फिर चालू, समझ गया ना प्रोसेस कैसे है, वो ये कि GnRH TSRH ये सब फीडबैक है, कैसे फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर ना, हाइपोथैलेमस बस इतना ही दिया, आप इतना पढ़िएगा। इसके अलावा एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से देखें, हाइपोथैलेमस से सिंथेसिस होने वाले हार्मोन्स ये हैं ऑक्सीटोसिन और ADH, यहां पर सिंथेसिस हुई, यहां से स्रावित नहीं हुए, यहां पर बने हैं, स्रावित होंगे यहां से, ध्यान रखना ये बनते यहां पर है, कौन से ये दो ऑक्सीटोसिन ADH बने वहां पर है, निकलेंगे नीचे से, मैं वहां से यहां भेज देगा तब यहां से निकलेगा। अब यहां पर दो प्रकार के और हार्मोन थे, एक तो हो गया उत्तेजित वाला, एक हो गया मना करने वाला, तो उत्तेजित का नाम आपको रखना GRH और GnRH दो याद रखना, और मना करने वाला सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को कम करता है इनहिबिट करता है, बस इतने याद करना सफिशिएंट। अब हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, समझिएगा पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड, ओके पिछले समझते हैं, मान लीजिए ये एक ग्रंथि है, इसके दो पार्ट है, ये हो गया एंटीरियर ये पोस्टीरियर अग्र और पश्च, तो इसको कहते हैं अग्रपिंडक, इसको पश्चपिंडक, और ये इसकी दीवार डिवाइड करने वाली है पिट्यूटरी। तो इसका लोकेशन एनसीईआरटी ने खास लिखा है कि इंपॉर्टेंट है,
खोपड़ी में है ना, एक ग्लैंड का खोपड़ी में, ब्रेन में, तो किस जगह, कौन सी कैविटी में, कैविटी का नाम है टर्सिका, टर्सिका कहां पर स्थित है, सेला टर्सिका, पेट से टर्सिका लिख रहा हूं, एक गुहा यानी गुफा वहां पर ये है, और ये किससे जुड़ी हुई है, पेट से थी हाइपोथैलेमस, तथा हाइपोथैलेमस जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, अच्छा हाइपोथैलेमस का क्या का काम है, टेम्परेचर रेगुलेट, हाइपोथैलेमस का काम बता रहा हूं, बता नहीं पाया पीछे, तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर रेगुलेट, रेगुलेट मतलब कम ज्यादा, सोच यदि आपकी बॉडी का हाइपोथैलेमस खराब हो गया, अब चाहे जितनी गर्मी लगे चाहे जितनी सर्दी पता नहीं चलेगा, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर रेगुलेट बाय हाइपोथैलेमस, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख एवं प्यास, प्यास नहीं प्यास, प्यास प्यास सही प्यास को बतलाती है, बतलाती मतलब उसका फील कराती है, संदेश देती है यानी इंडिकेट करती है, मैं पता सोची जाती हूँ, सूचित करके, ठीक है समझ गया ना, भूख प्यास और टेम्परेचर, सर इस करेंट वाला लगेगा तो करेंट में तंद्रिका लगा था, ये भी रहता है, नहीं चल बताओ, अग्र पश्च, अग्र का नाम क्या है, पश्च का नाम क्या है, अग्र से क्या निकलता है, पश्च क्या, इसको फ्लो चार्ट से पढ़ लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीयूष ग्रंथि, इसको दो में डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्या नाम है डालने वाले का, इसको आंसर मिल रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको लिख रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको पश्च बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्रपिंड, इसके अलावा एडिनो हाइपोफाइसिस को दो में डिवाइड करते हैं, कौन कौन, डिस्टालिस, कौन से डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस, ये इंग्लिश में नाम करने पड़ेगा आपको, पार्स मीडियम बीच का, जैसे हम एक ग्रैंड बनाए थे जैसे ये बीच वाली दीवार जो इसको डिवाइड करती है, इसको कहते हैं इंटरमीडिया, इसको कहते हैं पार्स डिस्टालिस, और इसको पार्स नर्वोसा, ये नाम आपको याद करने हैं, डिस्टालिस इंटरमीडिया और नर्वोसा, पार्स नर्वोसा सीक्रेट, सीक्रेट मतलब साबित करेगा कौन कौन सा, वही हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में रहते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन कौन सीक्रेट करेगा, आंसर है पार्स नर्वोसा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला पार्ट है, ऑक्सीटोसिन हो गया, दूसरा ए बी एच, ऑक्सीटोसिन का काम डाल लीजिए ऑलरेडी बता रहा हूं, ऑक्सीटोसिन रेगुलेट लेबर पेन, पार्चुरेशन बेबी बर्थ के वक्त जब बच्चे का जन्म करती हुई माँ जो दर्द होता है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीटोसिन, मिल्क इंजेक्शन सीने से दूध बाहर निकलना ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्स एडीएच, यूरिन को कंसंट्रेट करेगा यूरिन को गाढ़ा करता है वो है एडीएच, इसी को कहते हैं वैसोप्रेसिन, वैसल को प्रेस करता दबा देता है यूरिन को गाढ़ा करने में मदद करता है, ये क्या सीक्रेट करता है MSH, melanin stimulate hormone, बॉडी का स्किन कलर ही डिसाइड करता है काला है गोरा है, MSH melanin stimulate hormone, जैसे आप सनलाइट में ज्यादा काम करो रंग काला पड़ जाएगा, आपकी बॉडी में melanin ज्यादा बनता है यानी कि रंग चेंज करने की क्षमता अपने में, ये अब इनएक्टिव है ये पोर्शन लगभग इसी में मिल गया है, गिरगिट गिरगिट अपना रंग बदल सकता है उसमें ये एक्टिव जब चाहे जैसा चाहे वैसा रंग बना लेता है, क्या आप अपना रंग बदल सकते नहीं ये कर सकता था पहले, अब पार्श डिस्टालिस में समझिएगा पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन ए नंबर, बी नंबर में मान लीजिए इसे
सोमा हार्मोन और उस सोमेटोस्टेटिन को इनहिबिट करता है। सोमा हार्मोन, सोमा में होता बॉडी, जितना ज्यादा ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा यूज होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन देगा। TSH थायराइड को स्टिम्युलेट करेगा, ACTH, PRL और GnRH, क्योंकि हाइपोथैलेमस आता है GnRH, यहाँ GnRH बन जाएगा, इसमें हमें दोना पड़ेंगे FSH, LH, ये दोनों पिट्यूटरी हार्मोन है और बाकी एक और है नीचे दिखने के बाद में, चलिए इनके बारे में GH, TSH, ओके ना? समझिएगा ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एडिनो हाइपोज पार्ट 40 से, ज्यादा सीक्रेशन हो जाने से कौन सा डिसीज हो जाएगा? अतिकायकता, नहीं इसको अतिकायकता नहीं, क्या लिखा आपने? ये लिखा ना, और लेस सीक्रेशन से डोनोफेज में बोनापन, ये बच्चों में होती है। अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन किस हो जाए? एडल्ट में, तो कौन सा बीमारी? कौन सा बीमारी? एक्रोमेगेली, उसको देखा द ग्रेट खली, उसका जबड़ा बाहर निकला है हाथी जैसे, वही एक्रोमेगेली, इसको जबड़ा नीचे वाला लोअर जो बड़ा हो जाए, पीठ में कुबड़, कुबड़ से तो कुबड़ ऐसे झोंकने निकल, कुबड़ भी निकल आता है लेना। ओके डंडा बेटा चलिए, दूसरे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं वो है TSH, थायराइड को उद्दीपित उद्दीपित स्टिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। थायराइड ग्रंथि में ACTH एड्रेनल ग्रंथि को एंड्रोजन इन मेल, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये पिट्यूटरियन हार्मोन है, ओके ना? FSH और LH, FSH का काम क्या है महिलाओं में? ये एक्वे फॉर्मेशन, उसका साइज बड़ा करता है, जैसे पीरियड खत्म हुए 5 दिन के बाद 6 दिन से एक का साइज बड़ा करते हैं, फॉलिकल को डेवलप करता है। यह हार्मोन फीमेल में फॉलिकल वृद्धि, फॉलिकल मतलब पुट्टिका, वृद्धि में सहायक है, और इसका नाम अंडोत्सर यानी कि ओव्यूलेशन में सहायक, मेल में ये हार्मोन एंड्रोजन निर्माण में सहायक, और FSH स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म यानी कि इस प्रोसेस का कहते हैं शुक्र जनन में सहायक, बस इतना याद कर लीजिए, सब कंप्लीट हो गया, इसे आगे पढ़िएगा इतने ही लिखा। चलिए कर लेते थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों साइड है, इस तरफ और इस तरफ, और जो ये है इसको बोलते हैं इस्थमस, ये अपने फ्रंट में है, डॉर्सल नहीं है ना, फ्रंटल वेंट्रल सामने है, इनको बोलते हैं लोब। थायराइड ग्रंथि के दो लोब है, टू लोब, लोब मीन्स टुकड़े, एक दो, और प्रत्येक लोब में दो दो पैराथायराइड, प्रत्येक लोब में दो दो पैराथायराइड, एक दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यदि हम लोग इसकी कोशिकाओं को देखें, इनकी सेल्स को देखें, और एक सेल्स का जूम करके बाहर बनाए, तब हमको कुछ इसमें क्वालिटी दूंगा एकदम,
यहाँ पर एक फॉलिकल बना दिया गया है, क्या बना दिया? तो यहाँ से ब्लड वेसल बना दिया, ठीक है ना? ट्रांसंडर्ड है, ये ब्लड है, इसमें क्या है? ध्यान से समझना, बहुत आसान का दूसरा टॉपिक है, एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ब्लड में होता है बेटा, हम लोग जो खाना खाते हैं वो ब्लड में जाता है, इसमें होगा आयोडीन, क्या होगा? आयोडीन, वो आयोडीन यहाँ गया और अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना श्रावण ब्लड में करती है, तो इसमें TSH भी है जो थायराइड ग्रंथि से आया, सॉरी पिट्यूटरी से। अब ये इसके अंदर क्या होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन, उसका नाम क्या है जानते हो? थायरोग्लोबिन, ओके ना? TSH क्या करेगा, ध्यान से, TSH इन दरवाजों को खोल देगा जिससे आयोडीन अंदर आ जाएगा, क्या अंदर आ जाएगा? अगर इसके अंदर की चीज ना, इसके अंदर की जोड़ रहा, यदि दो आयोडीन हर बार दो दो के जोड़े बनेंगे, जो अंदर आयोडीन आ रहा दो दो के, यदि तीन जोड़े बन गए और ये दो आपस में जोड़ गए, ये अकेला है, अगर तीन आयोडीन एक साथ हो गए तो T3 और चार आयोडीन हो गए एक साथ तो T4, इसको लिखते हैं इसे थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडो, इसका नाम ट्राई आयोडो, दिख रहा है ना? ये सिर्फ कितना परसेंट है बॉडी में? 20%, ये 80%, ये 20%। क्वेश्चन ये आएगा, विच इज इसेंशियल इन ह्यूमन बॉडी, देख मात्रा निर्भर नहीं करती, आवश्यकता निर्भर करती है, ये सब आवश्यक है शरीर में, इसेंशियल कौन है? ये 20% वाला ज्यादा है लेकिन जरूरी नहीं है, इसको तो अपन उपयोग में करते नहीं। अंतर क्या आता है इसमें, तीन आईडी इसमें चार, तो ये अपना एक आईडी ब्लड में छोड़ देगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये यानी T4 रिलीज वन आयोडीन, एक आयोडीन रिलीज कर दिया और क्या बन जाएगा? T3, और ये उपयोग में आ जाएगा, समझा कि नहीं? इसके अलावा अच्छा, जो ये ब्लू कलर इसका नाम, इसका नाम था फॉलिकल, इनको क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स, तो इसको बोलते हैं फॉलिकुलर हार्मोन्स। इसके अलावा यहां पर ऐसे फॉलिकल के बाहर कुछ और ग्रंथियां हैं, इन्हें बोलते हैं पैरा फॉलिकल, क्या बोलते हैं? पैरा फॉलिकल, तो इनसे निकलेगा जो हार्मोन उसका नाम होगा दूसरा TCT, सीक्रेट्स TCT, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। अब ध्यान से एक बात कैसे समझते हैं, थायराइड क्या क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है T3 and T4, ध्यान आएगा ना? ये कहां से सीक्रेट किए हैं? फॉलिकल से। दूसरा सीक्रेट करेगी TCT, ये कहां से? पैरा फॉलिकल, ये पैरा फॉलिकल से सीक्रेट कर दिया ना बेटा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका काम फंक्शन, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको बोन्स में चिपकाता है, यह है ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम आयन को बोन में जोड़ देता है, चिपका देता है, कम कर देता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम आयन कम हो जाता है, ब्लड से खत्म कर दिया ना, तो ब्लड में कैल्शियम आयन कम हो जाता है, जिसे हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नीट में आने वाली चीज है, बुक में नहीं दी गई लेकिन फिर भी समझिए, हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट क्या है? यह ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम आयन को बोन्स में जोड़ देता है। भाई कैल्शियम कहां होता है? ब्लड में।
वहां से निकाल के कहां नोट देगा? बोन्स में, जिससे बोन में कमी होगी। मान लिया आपके घर में पैसे रखे, आपने निकाल निकाल के सब नंबर दो बर्बाद कर दिए, पैसे कम हो गए। इसे कहा जाता है हाइपोकैल्शियमिक इफेक्ट। हाइपो कम, कम करने वाला, किसको कम करने वाला? कैल्शियम। क्लियर। इसके बाद हम लोग एक ग्रंथ में और पढ़ेंगे थायराइड के बाद, पैराथायराइड। ओके, देखिएगा पैराथायराइड से पैराथायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन एंटागोनिस्ट किसका? थायराइड। मतलब थायराइड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये हाइपोकैल्शियमिक है और ये हाइपरकैल्शियमिक, तो एक दूसरे के विपरीत है। कैसे हाइपरकैल्शियमिक? कैसे देखिएगा, यह है डीमिनरलाइजेशन, जेसन करता है, मतलब मिनरल हड्डी में जो कैल्शियम छिपा हुआ है उसको निकालता है। हड्डी में कैल्शियम है, खरोच खरोच के हड्डियों से कैल्शियम निकाल देगा, ये हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। क्लियर ना? यस सर। जो कैल्शियम एक बार रखिएगा, थायमस ग्रंथि, इसका लोकेशन ये है बेटा, उम्र के साथ ये ग्रंथि छोटी हो जाएगी, उम्र के साथ ये ग्रंथि छोटी। इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आएगा वो जानिए, टी लिम्फोसाइट बनाता है, यानी कि लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। मैच्योर करेगा तो टी, टी का मतलब थायमस, थायमस लिम्फोसाइट। ध्यान सुनना कि ग्राफ्ट इज रिजेक्शन में कौन मदद करता है? टी लिम्फोसाइट। ग्राफ्ट मतलब ऑर्गन, जैसे आपने किडनी बनवाई, आपने हार्ट बनवाया, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं वो कुछ समय बाद फेल हो जाता है, डलवाया फेल हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? टी लिम्फोसाइट। कौन? टी लिम्फोसाइट। बस अगले एडिंग एडिनल।